रायबरेली के स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही लगातार निर्दोषों की जान ले रही है। रोज ही झोला छाप व बिना लाइसेंस के चल रहे नर्सिंग होमों के द्वारा किए जा रहे इलाज से उनकी मौत हो रही है। ताजा मामला महाराजगंज में उस समय देखने को मिला जब रात में हालत बिगड़ने पर राम दुलारे को उसके परिजन DR सर्जिकल अस्पताल ले गए तो वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवारजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने के कारण मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया जिससे मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामले को शांत करने का प्रयास शुरू कर दिया। बताते चले कि जिले में कई अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग इनकी ओर से आंखें बंद करके बैठी हुई है। कुछ दिन पहले भी महाराजगंज कस्बे में संचालित TR सर्जिकल नाम के अस्पताल पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगा था जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने इस मामले को दबा दिया जिसके चलते आज फिर महाराजगंज 52 बुजुर्ग बल्ला के निवासी राम दुलारे पुत्र राम अवतार को जब इलाज के लिए यहां लाया गया तो उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के पुत्र का आरोप है कि रात में तबियत बिगड़ने पर पिताजी को यह इलाज के लिए लाए थे, इनके द्वारा इंजेक्शन लगाते ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत का जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन है। रायबरेली से संवाददाता हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। आप कहाँ के रहने वाले हैं? महाबतगंज के रहने वाले हैं। तो आपके पिताजी को क्या हुआ? सुबह पेट दर्द हुआ, उसके बाद खाली सुई लगा के तुरंत बोल बंद हो गया। सुई लगाते बोल बंद हो गया। सिर्फ एक सुई लगाने से? हाँ, एक सुई लगाने से बोल बंद हो गया। तो महाराजगंज अस्पताल भी गए थे क्या? जी नहीं, खाली यही कहते वहाँ तक पहुँचे दवा कुछ नहीं, रात में लेके जाते। और इनको हुआ था क्या, किस लिए आए थे? अच्छा।